सांची को क्योटो बना देंगे। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो कि उन्होंने फुलफिल नहीं की, और ऐसी कई सारी बातें हैं। 12 करोड़ नौकरियां चली गई है, 23 करोड़ गरीब हो गए हैं, मजलूम हो गए हैं, 700 किसानों की जिंदगियां जा चुकी हैं, फार्मर्स की इनकम सिर्फ 27 रुपए पर डे है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन्फ्लेशन जो है अभी 30 साल में सबसे हाईएस्ट हो गई है, और 40 से 50 लाख का खाली कॉम्पनसेशन कोविड के बाद लोगों को मिला है, और हमने देखा है कि गंगा में कैसे लोगों की लाशें तैरती भी नजर आई, और कैसे उनके कफन तक उनके ऊपर जो चुनरी थी वो भी छीन ली गई। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। 140 या 42 लोगों का ही फायदा इस देश में मोदी जी ने किया है, जो उन्होंने उनकी संपत्ति 23 करोड़ से बढ़ा के 23,000 करोड़ से बढ़ा के 53,000 करोड़ कर दी है, और बाकी लोग 84% जो है हिंदुस्तान के वो बिलो पॉवर्टी लाइन में और भी धंसते चले गए। GDP रेट जो है वो 17% हो गई है पिछले 2015 और 14 से। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो इन्होंने 17 से इसे घटा के 14% पर लेकर आ गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें जवाब देने की ज़रूरत है, लेकिन वो जवाब देने में नहीं मानते। हमेशा कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं को और उन पर प्रहार करते रहते हैं। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन रेट के ऊपर, लेकिन उन्होंने कभी फार्मर्स के लिए जो इतने गुजर गए उनके लिए कभी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी कोई परेशानी व्यक्त नहीं की। 3 काले कानून बनाए वो भी उन्होंने वापस ले लिए, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं आपके सामने करना चाहूँ तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन आंकड़ों के साथ हम ये सारी बातें कर सकते हैं। पर अब क्योंकि हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम ख़त्म हुआ, हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार जब हम जल्द आएंगे तो ये डिलिमिट